अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हकीम ज़मीरुद्दीन में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप तमाम बाय खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह मेरे बताए हुए नुस्खे पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों आज आपकी खिदमत में बड़ा ही नवाबी तिला लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये नवाबी इसलिए नाम रखा गया है, ये नवाबों का तिला हुआ करता था। वो नवाब इस्तेमाल किया करते थे जो पूरी पूरी रात हम बिस्तरी कर लिया करते थे, 10-10 बीवी भी एक रात में फारिग कर दिया करते थे। तो इंशाल्लाह आज आपको ऐसे तेल के बारे में बताऊंगा जिसे आप 4 बूंद अपने वजू पर लगाएंगे और हाथों हाथ से 12 इंच आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप अपने वजू पर इसे लगाते रहेंगे वैसे वैसे वजू आपका लंबा होता नजर आएगा। आप हैरान हो जाएंगे, यकीनन सोच में पड़ जाएंगे कि हकीम साहब ये क्या हो रहा है। जिन हजरात का वजू बच्चे के मानिंदा हो चुका है, जो छोटा हो चुका है, जो खुद देखते हैं और शर्मिंदगी महसूस होती है कि बच्चे से भी छोटा मेरा वजू हो चुका है, तो वो हजरत जरा सामने को आ जाए जिसे अपने वजू की लंबाई हाथों हाथ बढ़ानी हो। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बावक्त आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आपको पंसारी की दुकान पर से ये 4-5 चीज़ें लेकर आनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 50 ग्राम आपको जैतून का तेल लेना है, 10 अदद लौंग ले लेनी है, 10 ग्राम दालचीनी लेनी है, 2 ग्राम काली मिर्च। इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छी तरह कूट पीस कर इस जैतून के तेल में मिला लेनी है। और आपको इस्तेमाल कैसे करना है, थोड़ी सी हल्की सी इसमें थोड़ी सी रगड़ाई करनी है और आपको इस्तेमाल कैसे करना है वो थोड़ा सा जान लीजिए। रगड़ाई आधे घंटे तक करनी है आपको इसकी, तीनों चीज़ों चारों चीज़ों को अच्छी तरह मिलाकर अपने वजू पर कैसे लगाना है वो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। आगे वाला हिस्सा छोड़कर पीछे पीछे वाले हिस्से पर 3 बूंद से डेली मालिश करनी है आपको सोते टाइम। इंशाल्लाह 10 से 15 दिन आप इसे इस्तेमाल कर लें और फिर इंशाल्लाह इसका करिश्मा देखें, आपकी वजू की लंबाई इंशाल्लाह 10 से 12 इंच आपकी हो जाएगी। और आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपका वजू का साइज़ कितना इससे बड़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।